हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो फाइनली यहाँ पे हाइपर ओएस की जो फर्स्ट थीम है वो यहाँ पे थीम स्टोर पे आ चुकी है, जो कि आप चेक कर सकते हो। आपको ये लुकिंग उसमें देखने को मिल जाएगी। आप चेक कर सकते हो, आपको यहाँ पे आइकन पैक देखने को मिल जाता है हाइपर ओएस वाला। और ये जो थीम है इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि थीम स्टोर पे आने वाली है, बट यहाँ पे कुछ रीज़न की वजह से पहले ये एक बार जो रिजेक्ट हो गई थी थीम, इसलिए इसे आने में टाइम लग गया। सो अब ये थीम स्टोर पे एक्टिव है। सो इसी के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये इस थीम का इनिशियल रिलीज़ है, और यहाँ पे जो है हाइपर ओएस के कंट्रोल सेंटर का भी एक न्यू अपडेट निकल के आया है। सो आगे चल के वीडियो में बात करते हैं कि आपको कैसे डाउनलोड करना है और क्या कुछ उसमें आपको न्यू चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो भी आगे चल के वीडियो में बताने वाला हूं। डिटेल में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहां से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस थीम के नेम के बारे में। तो आप देखोगे आपको थीम स्टोर पे आके ये थीम सर्च करनी है, हाइपर यूआई। इसके क्रिएटर आपको ऋतिक शर्मा देखने को मिलते हैं, ऑल थैंक्स टू द क्रिएटर जिन्होंने ये थीम प्रोवाइड की है। 2.7 MB की थीम आपको देखने को मिलती है, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे फुली अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे चेक करोगे, आपको कुछ ऐसी लुकिंग देखने को मिल जाएगी। ये थीम में सिर्फ आपको अभी आइकन्स ही देखने को मिलते हैं, जो कि हाइपर ओएस वाले आपको देखने को मिल जाते हैं। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको MTZ फाइल प्रोवाइड की थी इस आइकन्स के लिए। उसमें भी आपको सेम यही आइकन्स देखने को मिलते थे जो कि हाइपर ओएस वाले हैं। आप चेक कर सकते हो, आप परमानेंटली अप्लाई कर सकते हो इस थीम के थ्रू। ये जो है अभी इस थीम का इनिशियल रिलीज है, इसलिए अभी आपको सिर्फ इसमें आइकन पैक ही देखने को मिलता है। यानी अभी ये सिर्फ इसका शुरुआती अपडेट है, शुरुआत ही हुई है इस थीम के अपडेट की। अभी आगे आगे और अपडेट्स आएंगे जिसमें आपको और भी फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो आपको चैनल पे बने रहने, जैसे भी और इस थीम का अपडेट आता है वो भी आपको चैनल पे मिलता रहेगा। आपको क्या करना है, इस थीम को अप्लाई करने के बाद आपको हाइपर ओएस वाला वॉलपेपर यहां पे अप्लाई कर लेना है। वॉलपेपर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा। यहां पे टेलीग्राम पे आपको आना है। यहां पे आने के बाद चैनल पे आइएगा, आपको यहां पे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे। आपको बस यहां पे 3 डॉट पे क्लिक करके सर्च बार में, यहां पे सर्च पे क्लिक करना है। सर्च बार में आपको यहां पे हाइपर ओएस स्टॉक लिख के सर्च करना है। जैसे आप ये लिख के सर्च करोगे, आपको यहाँ पे सर्च बार में एक बार क्लिक कर देना सर्च पे। आप देखोगे आपको यहाँ पे हाइपर ओएस स्टॉक वॉलपेपर्स डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक कर दोगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इस पर आपको लिंक पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ये वाली हाइपर ओएस स्टॉक वॉलपेपर्स जिप फाइल पे आ जाओगे। आपको इस जिप फाइल को क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पहले लॉन्ग टैप करना है ऐसे। इस पर क्लिक करके आपको ऊपर ये जो डाउनलोड का आइकन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर देना, सेव टू डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, आपको वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे। और कोई भी एक वॉलपेपर यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। सो जैसे देख सकते हो, यहाँ पे मैं वॉलपेपर अप्लाई कर लेता हूँ, गैलरी में जाऊँगा। सो यहाँ से कोई भी मैं एक हाइपर ओएस वाला वॉलपेपर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये वाला एक वॉलपेपर है, इसको मैं यहाँ पे अब 3 डॉट पे क्लिक करके सेट एज वॉलपेपर कर देता हूँ। अप्लाई पे क्लिक करूँगा और सेट बोथ कर दूंगा। आप चेक कर सकते हो ये वॉलपेपर सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। बाकी सब कुछ आपका अभी नॉर्मली है, बस आइकन्स ही चेंज होते हैं क्योंकि अभी इस थीम का इनिशियल रिलीज है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं हाइपर ओएस के कंट्रोल सेंटर के न्यू अपडेट के बारे में। तो सिस्टम यूआई प्लगइन है, उसका एक न्यू अपडेट निकल के आया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप सीधा टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता ही दिया कैसे आपको जाके डाउनलोड करना है। सो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं। सो मैंने यहाँ पे न्यू वाला अप्लाई किया हुआ है। सो पहले क्या था, जब आप पिछले वाला अपडेट आपने किया होगा तो आप देखोगे जब आप स्वाइप डाउन करते थे तो आपका कंट्रोल सेंटर कभी कभी ओपन नहीं होता था। तो अभी इस अपडेट में क्या है, यहाँ पे बहुत स्मूथली वर्किंग है। हल्का सा भी स्वाइप डाउन कर दोगे तो आपका कंट्रोल सेंटर इजीली ओपन हो जाएगा, जो कि आप चेक कर सकते हो। और साथ में आपको एक मेजर प्रॉब्लम और देखने को मिलती थी यहाँ पे, जो आपको एंड्रॉइड एस ईस्टर एग देखने को मिलता था पिछले वाले अपडेट में। सो इस अपडेट में क्या है, आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके डायरेक्टली नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में जाके यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पे आपको जो एडिशनल कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है। तो आपको ये जो स्मार्ट होम देखने को मिलता है, इसे जैसे ही आप ऑफ कर दोगे तो आपका यहाँ से होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों से ही ये आपका एंड्रॉइड एस ईस्टर एग रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही इसे ऑन करोगे दोबारा आ जाएगा। सो ये आपको ऑप्शन वर्किंग करता हुआ देखने को मिलेगा। पिछले अपडेट में क्या था, अगर आप इसे ऑफ करते थे तो आपका ये सिर्फ होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पे ही वर्क करता था, होम स्क्रीन पे वर्क नहीं करता था। लॉक स्क्रीन से आपका ईस्टर एग रिमूव हो जाता था, बट आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे, यानी जो होम स्क्रीन पे कंट्रोल सेंटर है उसमें देखने को मिलता था। बट अब आप यहाँ से होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों से डायरेक्टली ऑफ कर सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू। सो ये आपको काफी अमेजिंग देखने को मिल जाता है। अब आपको कोई भी और ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अपनी सेटिंग से ही ऑफ कर सकते हो। सो आप देखोगे इनके वर्जन में, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या फर्क है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने मेरे पास दोनों वर्जन पड़े हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे जो पुराना प्लग इन है उसका वर्जन आपको देखने को मिलता है 15.0.0.78.0, जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो अभी न्यू वाला वर्जन है उसमें आप देखोगे आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है 15.0.0.96.2। तो आप देखोगे पिछले नंबर जो चेंज हो चुके हैं, और इसमें
आपको ये कुछ न्यू चीज देखने को मिल जाती है। अपडेट करने के बाद आप यहाँ से कंट्रोल सेंटर से एंड्रॉइड एस ईस्टर एग को भी रिमूव कर पाओगे और यहाँ पे जो आपका कंट्रोल सेंटर काफी स्मूथ वर्किंग करता हो आपको देखने को मिल जाएगा। सो इस अपडेट को आप जरूर कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाइएगा, चैनल का नेम सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको ये एपीके देखने को मिल जाएगा। सो डाउनलोड कर लीजिएगा। सो ये थी आज की कुछ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।